नमस्कार दोस्तों, दोस्तों सुनील कुशवाहा। और आ गया पीईवी का अपडेट, या आप कुछ भी बोलो, एमपी ऑनलाइन पर जो पीईवी की लिंक है उसका अपडेट आ चुका है। उसमें एक घंटा अपडेट किया है, ये किया है कि आप एक बार फॉर्म भरिए, फिर आपको एक बार फीस देनी पड़ेगी, आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो इससे मेरी समझ में नहीं आया, जब वैकेंसी नहीं आ रही है। आप सोचिए, आप कांस्टेबल की वैकेंसी 4 साल में एक बार आती है, स्टूडेंट कांस्टेबल की तैयारी करने वाला एक बार फॉर्म भर दिया, उसको 4 साल तक तो हो ही ना। फिर तो कोई भी वैकेंसी, अब कांस्टेबल की वैकेंसी आपको एमपी शिक्षक की भर्ती आ गई है, कांस्टेबल वाला क्यों मरेगा शिक्षक भाई, उसके पास कहाँ डीएड बीएड है। तो जो भी है, ये तो एक लॉलीपॉप पकड़ाने वाला है। और मुझे लगा कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट होगा, लेकिन कुछ अपडेट नहीं हुआ। अपडेट यही है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियाँ आएंगी ईएसबी या व्यापम के द्वारा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको एक बार फीस देनी पड़ेगी, बार बार आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। मेरी समझ में नहीं आया कि इसकी स्टूडेंट को आवश्यकता नहीं है भाई। स्टूडेंट आराम से 250 रुपये पे कर सकता है। बहुत अच्छा नहीं किया, जो भी किया आपने ठीक किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया। स्टूडेंट को आवश्यकता है जॉब की, वैकेंसी की, और एक मौके की, एक उम्मीद की, जो कि आपने नहीं दे पाई है। मतलब घंटा ही अपडेट बोलूँगा ना इसको मैं, आपने मौका ही नहीं दे पाया स्टूडेंट को। मौका तो दीजिए कम से कम यार। और आप देख रहे हो सब्जी बेचने वाला, यदि आप वैकेंसी नहीं निकालेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो ऐसे ही लोहे कबाड़े और सब्जी बेचनी पड़ेगी। मुझे पता है कि कितना होता है, जब आपके घर से आपके माँ बाप पैसे भेजते हैं, एक एक रुपये इकट्ठा करके आपको 1000-1500 रुपये महीना भेजते हैं मुश्किल से, और उसमें एक छोटे से कमरे में रह के आपको खर्चा चलाना पड़ता है। बहुत ही टफ है दोस्तों, मैंने ये जीवन देखा है इसलिए मुझे पता है। लेकिन जिसने इसका एहसास नहीं किया होगा, वो इस चीज़ समझ ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, जिसने भी ये चीज़ का एहसास नहीं किया, समझा नहीं है, देखा नहीं, वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकता। क्योंकि कष्ट वही समझ सकता है जिसने कष्ट भोगा है। और मुझे पता है कि एक एक रुपये कैसे आता है। मैंने अपने जीवन में संघर्ष भी किया है, हालांकि मैंने कम किया, मेरे भाइयों ने ज़्यादा किया है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने भी खेतों में काम किया, फावड़ा लेके सालों मैंने खेतों में पानी दिया है, गेहूँ काटे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि समस्या और प्रॉब्लम क्या होती है। हम लोग तैयारी करने वाले ज़्यादातर गाँव से आते हैं, और हमारी फैमिली वाले ज़्यादातर खेती करते हैं। खेती एक किसान की जो स्थिति है, वो इस दुनिया में किसी की नहीं है, जितनी खराब स्थिति किसान की है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, उम्मीद यही है कि रिजल्ट आएगा, वैकेंसी आएंगी, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। भाई कैंपेन चल रहा है, चौहान सर ने कैंपेन चलाया और सबने उसमें योगदान दिया, और ऐसे ही चलाते रहेंगे। बाकी ये व्यापम जो ईएसबी जो है या जो भी है, ये बहुत ही डिमोटिवेट करता है भाई, ये बहुत निराश कर रहा है। जब किसी चीज़ की आपको उम्मीद होती है कि आज नहीं कल मिलेगी, और वो आपको एक एक साल तक ना मिले, तो ये टूटता है, दिल टूटता है, कष्ट होता है भाई। देखते हैं नया अपडेट क्या आता है, बने रहिएगा। जो भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।